अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम डॉक्टर रंजीता और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी थ्रू मैप्स. अब तक की पहले वाली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं रिगार्डिंग द डिटेल मैप ऑफ एशिया, डिटेल मैप ऑफ यूरोप, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स साउथ अमेरिका. तो साउथ अमेरिका का मैप तो थोड़ा सिंपल है. और बिफोर लर्निंग साउथ अमेरिका आई विल इंसिस्ट दैट आप एशिया और यूरोप को ज़रूर लर्न कर लें. तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द साउथ अमेरिकन मैप. तो अगर मैं वर्ल्ड मैप पे बात करती हूँ तो दिस इज़ साउथ अमेरिका. ये साउथ अमेरिका है. हमने 7 कॉन्टिनेंट्स और 4-5 ओशंस के बारे में बात की थी. तो दिस इज़ एशिया, दिस इज़ यूरोप, दिस इज़ अफ्रीका, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ साउथ अमेरिका. एंड नीचे क्या है जो दिखाई नहीं दे रहा, दैट इज़ अंटार्कटिका. तो अभी तक हम डिटेल मैप पढ़ चुके हैं एशिया का, यूरोप का, अमेरिका का, जिसमें सेंट्रल अमेरिका भी पढ़ लिया, नॉर्थ अमेरिका पढ़ लिया और सेंट्रल अमेरिका. आज हम पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग साउथ अमेरिका. तो दिस इज साउथ अमेरिका, राइट. तो स्लाइड ये बोलती है साउथ अमेरिका इज एंटायरली इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. तो क्या मतलब है वेस्टर्न हेमिस्फीयर हम किसको बोल रहे हैं? अगर जस्ट सी दिस इज़ प्राइम मेरिडियन. मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया भी था 4 इंपॉर्टेंट लाइन्स के बारे में. तो फर्स्ट इज़ इक्वेटर, सेकेंड इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड फोर्थ वन इज़ प्राइम मेरिडियन विच इज़ 0° लाइन. तो अगर हम इस 0° लाइन को देखते हैं, 0° इसको रेफरेंस दिया गया है, तो इसके ईस्टर्न साइड पर सारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, वेस्ट साइड पर वेस्टर्न हेमिस्फीयर है. तो क्या बताया जा रहा है, स्लाइड ये बोलती है कि नॉर्थ साउथ अमेरिका इज़ एंटायरली लाइंग इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड मेजरली इट इज़ लाइंग इन सदर्न हेमिस्फीयर. ये देखिए आप, यू जस्ट ट्राई टू अप्रिशिएट दिस 0°. ये देखो 0° ये लाइन है, 0° ऐसे क्रॉस कर रही है. 0° इज़ क्रॉसिंग साउथ अमेरिका इन द अपर पोर्शन ऑफ द साउथ अमेरिका. तो अगर आप ये देखते हैं कि साउथ अमेरिका के अपर पोर्शन में, बट मेजॉरिटी ऑफ साउथ अमेरिका कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में. तो इक्वेटर इज क्रॉसिंग साउथ अमेरिका, दैट इज ट्रू, बट मेजॉरिटी ऑफ द साउथ अमेरिका इज लाइंग इन सदर्न हेमिस्फीयर. और नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के केस में ये नहीं था. नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका पूरा इंटायरली वॉज इन विच हेमिस्फीयर, दैट वॉज इंटायरली इन द विच नदर्न हेमिस्फीयर. तो यही बात हो रही है. नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखो यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, फोर्थ इन एरिया साउथ अमेरिका जो है, दैट इज अगर हम इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करेंगे तो इट इज़ फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है, एशिया, सेकेंड लार्जेस्ट है अफ्रीका, थर्ड लार्जेस्ट है नॉर्थ अमेरिका एंड फोर्थ लार्जेस्ट इज साउथ अमेरिका. ये सारी की बातें हम मैप के स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, दिस इज अ रिविजन. तो दिस साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड दिस इज फिफ्थ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा वही है, ऑर्डर थोड़ा सा सेम ही है. एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सेकेंड इज अफ्रीका, थर्ड इज यूरोप, फोर्थ इज नॉर्थ अमेरिका एंड फिफ्थ इज साउथ अमेरिका. तो यूरोप जो है यहाँ पर थर्ड नंबर पर एंटर कर गया है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. तो साउथ अमेरिका इज फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, तो ये वाली स्लाइड हमें यही बता रही है. नाउ वी विल लर्न अबाउट द कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका. बहुत ही सिंपल है, थोड़े से कंट्रीज हैं, तो ये हम क्लस्टर के फॉर्मेशन में क्लस्टर बना के वैसे ही याद करेंगे. तो फर्स्ट क्लस्टर होगा हमारा इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला. दिस इज अवर फर्स्ट क्लस्टर. हम मैप पे देख लेते हैं. तो मैप ऑफ साउथ अमेरिका निकाल लिया मैंने, यू कैन सी. तो फर्स्ट क्लस्टर में हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला. एडजेसेंट कंट्रीज हैं तीनों, इसी ऑर्डर में लर्न करेंगे. फर्स्ट क्लस्टर इज इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला. सेकेंड क्लस्टर इज गयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गयाना. तो सेकेंड क्लस्टर क्या है, गयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गयाना. गयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गयाना. दिस इज थर्ड क्लस्टर. सो थर्ड क्लस्टर क्या था, गयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गयाना. थर्ड क्लस्टर है ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे. जस्ट सी, ब्राज़ील, ब्राज़ील बहुत बड़ा कंट्री है, ब्राज़ील, देन पैराग्वे, देन उरुग्वे.
ब्राज़ील पैरागुए उरुग्वे पैरागुए एंड उरुग्वे आर टचिंग ब्राज़ील बट दे आर नॉट टचिंग ईच अदर ब्राज़ील पैरागुए एंड उरुग्वे नेक्स्ट क्लस्टर इज अर्जेंटीना बोलीविया देन पेरू चिली देखो ब्राज़ील पैरागुए उरुग्वे के बाद हमने किया अर्जेंटीना देन वी विल मूव अपवर्ड्स बोलीविया देन पेरू चिली पेरू और चिली तो बिल्कुल याद रहता है क्योंकि ये बिल्कुल कोस्टल लाइन कोस्टल दोनों हैं दोनों कोस्टल हैं तो ये याद रहता है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बोलीविया पैरागुए उरुग्वे तो हमने एक ऑर्डर में लर्न किया सारे कंट्रीज़ को क्लस्टर बना के एक्वाडोर कोलंबिया वेनेजुएला फर्स्ट क्लस्टर सेकेंड क्लस्टर गयाना सूरीनेम फ्रेंच गियाना थर्ड इज ब्राज़ील पैरागुए उरुग्वे फोर्थ इज अर्जेंटीना बोलीविया एंड फिफ्थ इज पेरू चिली सो दीज आर द कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका दिस वॉज ईजी आफ्टर लर्निंग एशिया एंड यूरोप आपके लिए सब कुछ बहुत सिंपल रहेगा आपने एशिया और यूरोप लर्न कर लिया है अभी विदाउट एनी निमोनिक्स तो नाउ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज केक वॉक फॉर यू एशिया और यूरोप आपने विदाउट निमोनिक्स याद किया है तो सारी की सारी कंट्रीज़ को हम विदाउट निमोनिक्स ही लर्न करेंगे आई होप आपको ये समझ आया क्विक रिविजन के लिए हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं एक्वाडोर कोलंबिया वेनेजुएला गयाना सूरीनेम फ्रेंच गियाना ब्राज़ील पैरागुए उरुग्वे अर्जेंटीना बोलिविया पेरू चिली सो इसी ऑर्डर में आप ये कंट्रीज़ का नाम लर्न करेंगे आई होप आपको ये बात ईजी लगा होगा एंड कीप रिवाइजिंग एंड नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लास हम लोग वर्ल्ड मैप एंड करेंगे रिमेम्बरिंग द नेम्स ऑफ कंट्री सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच द मैप ऑफ अफ्रीका बाय दैट टाइम थैंक यू सो मच बाय हैव अ गुड डे